तो दोस्तों Redmi 8 टीना पर लिस्ट हो चुका है और उसके साथ ही हैंड्स ऑन फोटो और रेंडर फोटो भी बाहर आ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों ऑलमोस्ट हर एक स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। जैसे कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है 2.2 ऑक्टो क्लॉक के साथ स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। साथ में आपको यहाँ पर पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 5150 एमएच का बैटरी भी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं Redmi 8 के बारे में, क्या कुछ मिलेगा इस फोन में और क्या होगा इसका ऑफिशियल प्राइसिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर डिज़ाइन की, दोस्तों बैक पैनल आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, ग्लोसअप पैनल आपको देखने को मिलता है, फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ बात करें डिस्प्ले से, दोस्तों यहाँ पर आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पर उसका जो रेवोल्यूशन है वो 1080x2340 का पिक्सल दे रखा है आपको। प्रोटेक्शन की बात करूँ तो गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आपको देखने को मिलता है। एक्सेप्ट रेशो की बात करें 19.5:9 के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों पिक्सल डेंसिटी की बात करें 409 की PPI दी जा रही है, जो कि बहुत कमाल की दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें हार्डवेयर और परफॉर्मेंस में, दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसेसर दिया जा रहा है 2.2 ऑक्टो कोर का प्रोसेसर, जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो कि पबजी ऐसे गेम आसानी से रन कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीटास्किंग और यहाँ पर बड़े बड़े गेम आसानी से खेल सकते हो आप। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाता है 256 GB तक, यहाँ पर आप इसे एक्सपेंड करते हैं 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कैमरे की बात करूँ दोस्तों यहाँ आपको बैक पैनल पर दो कैमरे दिए जा रहे हैं, जो कि 48 MP का है जिसमें 1.9 के साथ काम करेगा, और दोस्तों दूसरा जो जो कैमरा है वो 5 MP का होगा। कैमरे क्लैरिटी में फ़ोन जो है बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि रेडमी का फ़ोन है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें फ्रंट कैमरे की, दोस्तों यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया जा रहा है 13 MP का। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिया जा रहा है एंड्रॉइड 9.0 पाई देखने को मिल जाता है MIUI 10 के साथ। दोस्तों कनेक्टिविटी में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4G ही देखने को मिलेगी, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो आपको बहुत सारे सेंसर देखने को मिलते हैं, जैसे फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, कंपेस सेंसर और पिक्सल सेंसर, और यहाँ पर ग्लोसेस सेंसर, बहुत सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस फोन का वजन होगा 186 ग्राम, और यहाँ पर आपको रेड कलर और ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो फोन होगा दो वेरियंट में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक तो 3 GB और एक 4 GB, 3 GB वाला फोन की कीमत होगी 9,999 रुपये और 4 GB वाली कीमत होगी 10,999 रुपये। और दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया होने वाला है, और दोस्तों ये फ़ोन दिवाली के पहले पहले लॉन्च होने वाला है Redmi की तरफ से। दोस्तों ये आपको न्यूज़ कैसी लगी हम कमेंट में जानना चाहेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए हमको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।